हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, बहुत लड़कों का बार बार यही कमेंट आ रहा था कि भाई हम लोग जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, या हम लोग जब जीपी रेटिंग कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं तो कितने दिनों के बाद हम लोगों को जॉब लगेगी। क्योंकि बहुत लड़के अभी जीपी रेटिंग कोर्स करने वाले हैं तो उनके मन में ये डाउट है कि भैया हम लोग जो 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स है वो जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके कितने दिनों के बाद हम लोगों को जहाज पर जॉब मिल जाएगी। इस पर आप एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए जाते हैं तो 6 महीने रहकर आप जीपी रेटिंग कोर्स कम्प्लीट कर लेंगे। जीपी रेटिंग कोर्स कम्प्लीट करने के बाद अगर आपका कॉलेज अच्छा हुआ, जहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, वहाँ पर शिपिंग कंपनी आती है, तो वहाँ पर अपना इंटरव्यू या उनका जो अपना एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो भी होता है वो अपना क्लियर करेंगे। अगर वहाँ से आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो वो आपको कंपनी का प्रोसेस होते रहेगा, कंपनी आपको बताते रहेगी कि आपका 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के बाद आपको जहाज पर चढ़ाया जाएगा उनके हिसाब से, क्योंकि वो अपना कुछ कोर्सेज भी करवाती है, वीज़ा वगैरह भी अपना इशू कराती है, फिर अपना सर्टिफिकेट का कोर्स भी करवाती है वगैरह, सारा बहुत प्रोसीजर होता है उसमें, ठीक है। तो ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा कि आप ऐसे कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर प्लेसमेंट की कोई इशू नहीं है, प्लेसमेंट के लिए कोई गारंटी नहीं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई हम आपको कोर्स कराएंगे, प्लेसमेंट आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप जब जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने करके वापस आ जाओगे तो पास आउट हो जाओगे, तो फिर अब आप बोलोगे कि भैया अब हमको जॉब कैसे मिलेगी। तो जॉब के लिए या तो आप कंपनी में जाके सर्च करो, या ऑनलाइन फॉर्म भी निकलता है कंपनी का, जैसे सिनर्जी का जीपी रेटिंग का फॉर्म निकलता है, प्लेसमेंट के लिए उसका फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दो। अदरवाइज आप क्या करोगे, तो आप एजेंट को पकड़ोगे तो वो आपका काम एजेंट कराएगा। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं ज्वाइन करने का। अब आप यही सोच के बताओ कि अब आप बोलोगे कि भैया जब हम 6 महीने का जीपी रेटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके कितने दिनों के बाद जॉब लगेगी। तो ये कैसे, मैं एक एस्टिमेट टाइम बता दूंगी जॉब कैसे लगेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कंपनी का अगर एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो जॉब आपकी 6 महीने में लग सकती है। अगर आप ऑफिस टू ऑफिस जाकर विजिट करेंगे, वहाँ कंपनी में रिज्यूम सबमिट करेंगे, अगर आपका CV सेलेक्ट होगा, कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, तब भी आपकी जॉब लग सकती है। अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, एजेंट को पकड़ेंगे। तो एजेंट को, अब एजेंट आपका कितने दिन में काम कराएगा उसके ऊपर डिपेंड कर देता है। तो ये कोई भी डिपेंड नहीं है कि आपका जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने दिनों के बाद जॉब लगेगी। जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कम से कम 3 महीना वेट करना पड़ेगा आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए। जीपी रेटिंग जैसे ही आप कोर्स पास आउट करेंगे तो आपका 1.5 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको SID कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर येल्लो फीवर का वैक्सीन लेना पड़ेगा। अगर आप DC वगैरह निकालने में इंटरेस्ट हो तो फिर DC का कोर्स करके, ऑक्टो का कोर्स करके आपको DC निकलवाना होगा। तो ये सारी क्या होती है, तो प्रोसीजर होता है। तो जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के 3 महीने तक आपको अपने सर्टिफिकेट का, यानी अपने पूरे डॉक्यूमेंट का आपको कलेक्शन करने में 3 महीने का टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने का। उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कितने दिनों में मिलती है। तो इसका कोई भी एक सर्टेन टाइम नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है कि कब जॉब मिलेगी। मिलने के लिए तो जॉब आसानी से मिल जाती है, और नहीं मिलने के लिए जॉब के लिए बहुत पापड़ भी पीलना पड़ता है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसको वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।